और कौन से मेथड हैं जिससे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं अपने सिविल इंजीनियर डोमेन में। एक चीज तो समझ में आ गया सर कि स्किल सीखते रहना चाहिए जिससे कि हम कॉर्पोरेट से मैच कर पाए। एग्जैक्टली दैट इज करेक्ट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में बाहर आते हैं हमको ढेर सारा पैकेज मिले या फिर हम कुछ करें ऐसा जिसमें हमें अच्छा आमदनी हो सके। सिविल इंजीनियरिंग के अगर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो उसमें अगर एक पार्ट ऐड कर देते कि टेंडर कैसे लेना है। आज के टाइम में गवर्नमेंट के बहुत ढेर सारे टेंडर निकलते हैं, लाइसेंस बनते हैं, लाइसेंस कैसे बनता है, टेंडर कैसे निकलता है, पुराना सिलेबस में है लेकिन वो ओल्ड मेथड पे है जो कि आज के टाइम में वर्क ही नहीं करता, सब ऑनलाइन है। अगर हम इस चीज़ का एजुकेशन ले लें, ठीक है, एक तो हो गया स्किल्स बेस्ड कि स्किल के लिए हम हर सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर सीखे, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपको यूनिक्स सिविल पर सिखाता हूँ। याद रखें इसमें बहुत ढेर सारे लोग आपको लूटने की भी कोशिश करते हैं। तो देखो सीधी सीधी बात है कि अगर कोई सर्विस दे रहा है, चाहे मैं दे रहा हूँ कोई और दे रहा है, तो वो दाल में नमक तो खाएगा क्योंकि उसका भी पेट है, लेकिन उसका एक लेवल होता है। नमक की जगह पर दाल ही मत खाओ। इस चीज़ का पहचान करके आप अपने स्किल को इम्प्रूव करो।